नमस्कार, प्रस्तुत है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट का पार्ट 5 वीडियो। और इस वीडियो में हमने जो पैसेज लिया है वह है क्लास 8 बोर्ड एग्जाम 2023 का। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सावधानी पूर्वक पैसेज को पढ़ें और सही ऑप्शन को चुने। डॉग्स आर वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट एनिमल्स। कुत्ते बहुत ही चालाक और बुद्धिमान जानवर हैं। देयर एबिलिटी टू स्मेल थिंग्स इज मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ ह्यूमंस। एबिलिटी का होता है योग्यता या क्षमता, क्षमता कहें, स्मेल सूंघना थिंग्स, तो चीजों को। यहां एक चीज और देखिए ग्रामर का, ग्रेटर देन दैट ऑफ ह्यूमंस, ये कंपैरिजन जो हम लोग करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में है ये। फिर से एक बार मैं पढ़ता हूं, देयर एबिलिटी टू स्मेल थिंग्स इज मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ ह्यूमंस। उनके चीजों को सूंघने की क्षमता मनुष्यों के सूंघने की क्षमता से कई गुना ज्यादा होता है। मेनी टाइम्स ग्रेटर मतलब कई कई गुना ज्यादा या कई गुना बड़ा। दे कैन इजिली आइडेंटिफाई द स्निफ्ड थिंग बाय स्मेलिंग इट अगेन। स्निफ्ड मतलब सूंघा गया, पहले से सूंघा गया हुआ, है ना। स्निफ्ड थिंग्स मतलब जिस चीजों को पहले से सूंघ लिया उसने। तो फिर से एक बार पढ़ता हूं, दे कैन इजिली आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना होता है। दे कैन इजिली आइडेंटिफाई द स्निफ्ड थिंग बाय स्मेलिंग इट अगेन। वे पहले से सूंघे हुए चीज को फिर से सूंघकर बहुत आसानी से आइडेंटिफाई यानी पहचान कर सकते हैं। कैन का अर्थ होता है सकना। डॉग्स आर ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट एक्सप्लोजिव ड्यू टू देयर हाई स्मेलिंग एबिलिटी। स्मेलिंग एबिलिटी का हो गया सूंघने की क्षमता। एक्सप्लोजिव आप लोग जानते हैं विस्फोटक, डिटेक्ट पहचान करना। तो Dogs are also used to detect explosives due to कारण से their high smelling ability। बहुत उच्च सूंघने की क्षमता के कारण कुत्तों का उपयोग विस्फोटक को पहचानने में किया जाता है। आप लोग देखते होंगे न्यूज वगैरह में कि जब कहीं कोई कांड होता है कुछ, तो वैसे स्थिति में कुत्ते सूंघने वाले जो स्पेशल कुत्ते होते हैं उन्हें बुलाया जाता है। देयर हियरिंग पावर, सुनने की शक्ति। देयर हियरिंग पावर इज 5 times मोर देन दैट ऑफ ह्यूमंस। उनके सूंघने की जो शक्ति सुनने की सॉरी उनके सुनने की जो शक्ति होती है वो मनुष्यों से 5 गुना ज्यादा होता है। डॉग्स आर डीफ, डीफ यानी बहरे, ब्लाइंड अंधे, एंड टूथलेस बिना दांत का। टूथ का अर्थ होता है दांत, और तो हो गया टूथलेस मतलब बिना दांत वाला। Dogs are deaf, blind and toothless
when they are born. Born मतलब जब उनका जन्म होता है, तो कुत्ते जब उनका जन्म होता है तो वो बहरे होते हैं, अंधे होते हैं और बिना दांत के होते हैं. They like to live in groups. वे ग्रुप्स में, झुंड में रहना पसंद करते हैं. But some prefer to live alone. लेकिन कुछ जो है ना, अकेले रहना भी पसंद करते हैं. तो आइए अब प्रश्नों को देखते हैं. What type of animals are dogs? Dogs कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है इंटेलिजेंट, क्लेवर, स्मार्ट, नन ऑफ दिस. तो यहां पर आप देखिए पैसेज को फिर से एक बार, जब आपको प्रश्न मिलता है तो एक बार पैसेज को फिर से देखिए और उस प्रश्न का आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए. तो ये कहां पर है, ये देखिए इंटेलिजेंट. तो कैसे होते हैं, इंटेलिजेंट. हालांकि वहां क्लेवर भी दिया हुआ है, लेकिन चूंकि दोनों में से हमें चुनना है तो हम इंटेलिजेंट चुन रहे हैं, क्योंकि एनिमल से ठीक पहले यहां पर एनिमल से ठीक पहले यहां पर इंटेलिजेंट लिखा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग्स आर ऑल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट एक्सप्लोजिव्स. कुत्तों का प्रयोग विस्फोटक पहचानने के लिए भी प्रयोग किया जाता है. क्यों? ड्यू टू मोर इंटेलिजेंस, बहुत बुद्धिमान होने के कारण. ड्यू टू, देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए यहां ग्रामर का, ड्यू के बाद टू लगता है ना, इसका अर्थ होता है कारण से. ड्यू टू देयर हाई स्मेलिंग एबिलिटी, उनके बहुत उच्च सूंघने की क्षमता के कारण. ड्यू टू बींग क्लेवर, चालाक होने के कारण. नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं. तो हमने अभी देखा है पैसेज में आंसर क्या है, ड्यू टू देयर हाई स्मेलिंग एबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, डॉग्स हियरिंग पावर इज, कुत्ते की सुनने की क्षमता या शक्ति है. 6 टाइम्स मोर देन ह्यूमंस, मनुष्यों से 6 गुना ज्यादा. 4 टाइम्स मोर देन ह्यूमंस, मनुष्यों से 4 गुना ज्यादा. 5 टाइम्स मोर देन ह्यूमंस, मनुष्यों से 5 गुना ज्यादा. नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं. तो ये है ऑप्शन नंबर 3, 5 टाइम्स मोर देन ह्यूमंस. क्वेश्चन नंबर 59, डॉग्स आर बॉर्न, डॉग्स जन्म लेते हैं विथ नो आईज, विथ नो टीथ, विथ नो माइंड, नन ऑफ दीज. तो देखिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहां पर आप गौर कीजिए पैसेज में, वापस जा रहे हैं पैसेज में. देखिए यहां क्या है, डीफ यानी बहरे, ब्लाइंड यानी अंधे, और टूथलेस अर्थात बगैर दांत वाले. तो ये तीनों होते हैं जब वो जन्म लेते हैं. और यहां ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है विथ नो आईज, आंख नहीं होता है. देखिए कई लोग इसमें कंफ्यूज करेंगे, विथ नो आईज यानी आंख नहीं होता, आंख तो होता है लेकिन अंधे होते हैं उस वक्त. विथ नो टीथ, तो ये हमारा ऑप्शन होगा, उनके पास दांत नहीं होता है जब वो जन्म लेते हैं. अरे ये कंफ्यूजन फिर से मैं एक बता दे रहा हूं, कंफ्यूजन क्या है वहां है, शब्द ब्लाइंड, ब्लाइंड, तो ब्लाइंड यानी वो अंधे होते हैं, आंख तो होता है लेकिन वो देख नहीं सकते हैं जब जन्म होता है. और यहां लिखा है विथ नो आईज, उसका आंख ही नहीं होता है ना. तो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज करेंगे. तो यहां सही ऑप्शन हमारा है विथ नो टीथ, क्योंकि टूथलेस वहां लिखा हुआ है.
टूथलेस, टूथलेस यानी बिना दांत वाला, तो विथ नो टीथ, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अनेबल टू हियर। पैसेज से एक शब्द चुनिए जिसका अर्थ होता है अनेबल टू हियर, यानी सुनने में सुनने की क्षमता नहीं होना। हिंदी शायद मैं बिल्कुल सही नहीं बोल पा रहा हूं। अनेबल मतलब एबिलिटी नहीं है उनमें, क्षमता नहीं है किस चीज की, सुनने की। तो ये होता है, देखिए ऑप्शन है डिटेक्ट, प्रेफर, स्निफ्ट, डीफ, तो ये होगा डीफ। तो ये था हमारा पार्ट 5 वीडियो। यहां पर देखिए स्क्रीन से थोड़ा सा ये बाहर हो जा रहा था, मैं इसे एक वर्ड यहां पर बाहर हो जा रहा है, मैं इसे फिर ला देता हूं इस प्रश्न में। हाँ ये अब आपको दिख रहा होगा। चलिए तो ये पार्ट 5 वीडियो था, जल्द ही इसके कुछ और पार्ट्स मैं प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।